हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल प्रिंसिपल राशि गुप्ता पर आपके लिए लेकर आता हूं उसी से रिलेटेड सीबीएसई ने एक और सर्कुलर इश्यू किया है कल यानी नौ दिसंबर को तो इस सर्कुलर की इम्पोर्टेंस सभी स्टूडेंट्स टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ज्यादा है बिकॉज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने इतना डिटेल में थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का ब्रेकअप बच्चों को टीचर्स को प्रिंसिपल्स को समझाया है नो no डाउट पहले भी ऐसा ब्रेकअप आता रहा है के पास मगर ओपनली सर्कुलर सभी स्टूडेंट्स को भी सभी एग्जाम्स का ब्रेकअप और उसके अलावा बहुत से और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए सीबीएसई ने पहली बार इसी सर्कुलर के थ्रू समझाए हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन

तो बच्चों को अपना जो सिलेबस प्रिपेयर करना है जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए वो पंद्रह फरवरी से पहले पहले उनको प्रिपेयर कर ले इससे पहले डेट शीट आ जाएगी और पंद्रह फरवरी मोस्ट प्रोबेबली पहला एग्जाम होगा टेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द स्कूल्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स वाइल अपलोडिंग मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट टू एड द

मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी एग्जाम में कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने हैं प्रोजेक्ट असेसमेंट अगर है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और अगर इंटरनल असेसमेंट तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं ये चीजों से बच्चों को बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि उनको थ्योरी में कितनी मेहनत करनी और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट के लिए कितनी तैयारी करनी है वेदर एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड फॉर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट ये एक वो क्वेश्चन है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स मेरे से पूछते रहते हैं कि फला सब्जेक्ट के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा या नहीं फला सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल एग्जामिनर लेगा या एक्सटर्नल एग्जामिनर लेगा तो सीबीएसई ने इसका भी जवाब दे दिया है हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के हर एक सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई ने बता दिया है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होगा या नहीं होगा वो आपको आगे आप वीडियो देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा

ऑल मे नोट द इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम स्टेजेस तो स्टूडेंट्स को लेटर स्टेजेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसी को ध्यान में रखकर बोर्ड ने ये सर्कुलर इशू किया है डॉक्टर संयम भारद्वाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर्स के साथ इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सर्कुलर जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नीचे आपको जो मैं ये डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो डिटेल्स की तरफ बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर भी ऐसे ही सीबीएसई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब भी मैं लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके तो देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट जो सीबीएसई ने डिटेल्स शेयर की हैं उसमें क्या क्या दिया सीबीएसई ने तो सबसे पहले ये क्लास के बारे में सीबीएसई ने वही जो ऊपर डिटेल्स थी उनको टेबुलर फॉर्म में दिया है सीरियल नंबर सब्जेक्ट कोड क्या है सब्जेक्ट का नाम क्या है मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में कितने हैं प्रैक्टिकल में कितने हैं प्रोजेक्ट अगर बनना है तो उसके मार्क्स कितने हैं इंटरनल असेसमेंट अगर होनी है तो उसके मार्क्स मैक्सिमम कितने हैं ये भी ब्रेकअप सीबीएसई ने दे दिया है वेदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड और और नॉट भी सीबीएसई ने यस yes नो no की फॉर्म में बताया है वेदर प्रैक्टिकल आंसर बुक्स विल बी सप्लाइड बाय द बोर्ड और नॉट ये भी सीबीएसई ने बता दिया है टाइप्स ऑफ आंसर बुक्स फॉर कैसी होंगी ये भी सीबीएसई ने बताया है तो ये जो टेबल बना है इसके जो ऊपर कॉलम दे रखे हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई ने एक्सप्लेन किए हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको मैं डिटेल में बता देता हूं जीरो जीरो टू सब्जेक्ट कोड है हिंदी कोर्स ए का टेंथ क्लास के लिए उसके लिए थ्योरी का एग्जाम होगा एटी मार्क्स का प्रैक्टिकल नहीं होगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा इंटरनल असेसमेंट होगी ट्वेंटी मार्क्स की एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया जाएगा इसके लिए इंटरनल एग्जामिनर ही कंडक्ट करेगा और प्रैक्टिकल आंसर बुक्स भी बोर्ड सप्लाई नहीं करेगा स्कूल को खुद से मैनेज करनी है थ्योरी की जो आंसर बुक्स होंगी वो बत्तीस पेज वाली होंगी तो ये एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आप खुद देख सकते हैं मैं ये स्क्रीन को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉज करके छोड़ रहा हूं या फिर आप भी वीडियो को पॉज करके अपने अपने सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको पंजाबी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए या बंगाली तमिल तेलुगू सिंधी मराठी गुजराती मणिपुरी मलयालम उड़िया एसमीज कन्नड़ा ये सब लैंग्वेजेज हैं अरेबिक तिब्बतन फ्रेंच जर्मन रशियन पर्शियन नेपाली लिम्बो लेपचा कर्नाटिक म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक वोकल इंस्ट्रोमेंटल पर्शियन इंस्ट्रोमेंटल हिंदी म्यूजिक वोकल इन सब के लिए आप देख सकते हैं खुद ही जो चेंज आया है वो यहाँ पर कर्नाटी म्यूजिक से आया है इसमें जो थ्योरी है वो थर्टी मार्क्स की है प्रैक्टिकल फिफ्टी मार्क्स का है प्रोजेक्ट असेसमेंट नहीं है इंटरनल असेसमेंट ट्वेंटी मार्क्स की है एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं होगा ये भी स्कूल का इंटरनल एग्जामिनर ही कंडक्ट करेगा और प्रैक्टिकल आंसर बुक्स भी बोर्ड नहीं देगा और जो थ्योरी का एग्जाम है उसकी आंसर बुक जो होगी वो पेज की होगी तो यहाँ तक तक 23 तक पॉइंट तो सारा कुछ सेम ही था 24 से चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है अब आप आगे भी सब्जेक्ट देख सकते हैं टेंथ क्लास के ही फर्दर सब्जेक्ट आगे आ रहे हैं ट्वेंटी एट सीरियल नंबर से लेकर फिफ्टी फोर तक आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ऑप्ट करते ही हैं जैसे साइंस है इसका ब्रेकअप भी आप देख लीजिए एक बार एटी मार्क्स की थ्योरी होगी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ नहीं होता इसमें टेंथ क्लास में क्योंकि इसको इंटरनल असेसमेंट ही काउंट कर लिया जाता है प्रोजेक्ट नहीं है इंटरनल असेसमेंट ट्वेंटी मार्क्स की है जो प्रैक्टिकल बेसिस पर ही टीचर्स देते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया जाएगा बोर्ड की तरफ से और प्रैक्टिकल आंसर बुक्स भी बोर्ड सप्लाई नहीं करेगा बत्तीस पेज की इसकी थ्योरी की आंसर बुक होगी सिमिलरली अगर हम नीचे आए तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कॉमनली बच्चे ऑप्ट करते हैं 50 मार्क्स की इसकी थ्योरी होगी 50 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होगा नो प्रोजेक्ट नो इंटरनल असेसमेंट और 20 पेजेस की थ्योरी की इसकी मार्कशीट सॉरी आंसर शीट सप्लाई की जाएगी बोर्ड के द्वारा एक्सटर्नल एग्जामिनर कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी अपॉइंट नहीं होगा ये वो क्वेश्चन है जो बहुत से बच्चे और टीचर्स पूछते हैं और बोर्ड इसकी भी आंसर अप्लाई नहीं करेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 80 मार्क्स की थ्यूरी है नो प्रैक्टिकल नो प्रोजेक्ट ओनली इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स नो एक्सटर्नल एग्जामिनर नो आंसर शीट विल बी सप्लाइड थ्योरी की आंसर शीट होगी बत्तीस पेजेस की 32 पेजेस इसी तरह से मैथमेटिक्स है यहाँ पे सेम ही है 80 मार्क्स की थ्योरी नो प्रैक्टिकल नो प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा इंटरनल ही कंडक्ट करेगा प्रैक्टिकल आंसर बुक्स नहीं सप्लाई की जाएंगी बोर्ड के द्वारा इसको भी मैं क्रॉस ही कर देता हूं और जो थ्योरी की आंसर बुक होगी आंसर शीट वो 48 पेजेस की होगी और उस ग्राफ भी होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए ग्राफ के साथ फोर्टी एट की आपको थ्योरी की आंसर शीट मिलेगी ये आई होप सभी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा वेटेज वाली आंसर शीट है आपके लिए इसी तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके अपने अपने कोई और सब्जेक्ट अगर आपने ऑप्ट कर रखे हैं तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अब आते हैं क्लास ट्वेल्थ के ऊपर फिर से वही कॉलम्स हैं सीरियल नंबर सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट का नाम मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में कितने हैं प्रैक्टिकल में कितने हैं प्रोजेक्ट अगर है तो उसके कितने हैं इंटरनल असेसमेंट है तो कितने हैं एक्सटर्नल एग्जामिन अपॉइंट होगा या नहीं होगा वेदर प्रैक्टिकल आंसर बुक्स विल बी गिवन या नहीं और टाइप्स ऑफ आंसर बुक्स फॉर थ्योरी कैसी रहेंगी तो सबसे पहले इंग्लिश नॉर्मली इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही है सबके पास तो उसका देख लेते हैं बेकअप थ्योरी एटी मार्क्स की है प्रैक्टिकल नहीं है प्रोजेक्ट नहीं है

हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस के लिए ट्वेंटी का इन दोनों सब्जेक्ट्स में इंटरनल एपौ, किया, सब्जेक्ट किया मिलेगा सिर्फ मैथमेटिक्स छोड़कर ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मगर मैथमेटिक्स में सी ने क्लियर कर दिया है कि वो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं कर रही है और

में हिंदी म्यूजिक में इनके थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स की जो बाइफर्केशन है वो चेंज है फॉर एग्जाम्पल कर्नाटिक म्यूजिकल वोकल इसमें थर्टी मार्क्स की थ्योरी है फिफ्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल है प्रोजेक्ट नहीं है इंटरनल असेसमेंट भी ट्वेंटी मार्क्स की है तो सिर्फ तीस मार्क्स थर्टी मार्क्स बच्चों को तैयार करने हैं थ्योरी के लिए बाकी सारा उनको प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट से मिल जाएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होगा बोर्ड आंसर शीट भी देगा और आंसर शीट थ्योरी के लिए जो होगी वो बीस पेज की होगी प्रैक्टिकल वाली बोर्ड ने नहीं बताया मगर बोर्ड सप्लाई करेगा तो आई होप आप पॉज करके अपने अपने सब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा बता दें बिजनेस स्टडीज है अकाउंटेंसी है दोनों एक ही जैसे हैं इनमें भी थ्योरी एटी मार्क्स की है प्रैक्टिकल नहीं होगा प्रोजेक्ट होगा बीस बीस मार्क्स का दोनों में इंटरनल असेसमेंट नहीं होगी और एक्सटर्नल अप, एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड की तरफ से बिजनेस स्टडीज के लिए आंसर शीट्स नहीं आएंगी आर की तरफ से रीजनल ऑफिस की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला मगर अकाउंटेंसी के लिए आंसर शीट्स आएंगी और इनका थ्योरी की जो आंसर शीट्स होंगी वो 32 पेजेस की होंगी और अकाउंटेंसी वाली जो आंसर शीट्स होती हैं, उसमें स्पेशल आंसर शीट्स भी होती हैं, जिसमें टेबल बना होता है अकाउंटेंसी के लिए तो वो थर्टी टू पेजेस में टेबल भी होगा में। ये मैं आपके लिए ही स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आप देख लें अगर हम कॉमर्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की भी बात कर लेते हैं एक बार इकोनॉमिक्स को लेकर भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है वो डाउट क्लियर कर देते हैं थ्योरी जो होगी वो एटी मार्क्स की होगी प्रैक्टिकल नहीं होगा प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा ट्वेंटी मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट नहीं होगी और एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड की तरफ से मगर आंसर शीट्स नहीं मिलेंगी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए और थ्योरी की आंसर शीट होंगी वो थर्टी टू पेजिस की होंगी साइंस सब्जेक्ट देख लेते हैं एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों में थ्योरी की जो वेटेज है वो सेवेंटी मार्क्स की है और प्रैक्टिकल इन तीनों सब्जेक्ट्स में होता है जो थर्टी मार्क्स का होता है नो प्रोजेक्ट नो इंटरनल असेसमेंट एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए और आंसरशीट्स भी बोर्ड के द्वारा दी जाएंगी तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए और थ्योरी की आंसर शीट जो इनकी होंगी वो थर्टी टू पेजेस की होंगी अब बाकी सब आप खुद से एक बार देख सकते हैं जिन्होंने पेंटिंग रखा होगा उनका भी आप देख लीजिए थर्टी मार्क्स की थ्योरी मार्क्स का प्रैक्टिकल नो इंटरनल असेसमेंट नो प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा और बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए आंसर शीट्स भी देगा और थ्योरी की आंसर शीट्स होंगी सिर्फ बीस पेजेस की क्योंकि थ्योरी लिखनी ही सिर्फ थर्टी मार्क्स के लिए है तो आई होप ये पेज भी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ आप इसको भी पॉज करके अपने अपने सब्जेक्ट्स की बाइफ्रकेशन रीड कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट में कितने थ्योरी के मार्क्स हैं कितने प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं कितना इंटरनल असेसमेंट है एक्सटर्नल होगा प्रैक्टिकल आंसर बुक्स स्कूल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी और थ्योरी की आंसर बुक्स कितने पेजेस की होंगी तो आई होप ये आप देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत से बच्चों ने रखा होता है उसमें भी सेम ही है मार्क्स की थ्योरी नो प्रैक्टिकल नो प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट मार्क्स की है एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स के केस में भी और बोर्ड आंसर शीट्स भी नहीं देगा प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी की आंसर शीट सेम 48 आंसर शीट्स विद ग्राफ होंगी आईटी जिन्होंने रखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनका सिक्सटी मार्क्स का थ्योरी होगा फोर्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा नो प्रोजेक्ट नो इंटरनल असेसमेंट एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा और आंसर बुक्स भी प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड देगा और थर्टी टू पेज की थ्योरी की आंसर शीट्स होंगी आई होप मेन मेन सब्जेक्ट्स साइंस और कॉमर्स के कवर हो चुके हैं ह्यूमैनिटीज में बहुत बड़ी रेंज है इसलिए आप खुद एक बार देख ही सकते हैं जो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं मास मीडिया लेटरी योगा प्रैक्टिकल नो प्रोजेक्ट नो इंटरनलेंट एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड आंसर शीट भी देगा प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी की आंसर शीट्स होंगी ट्वेंटी पेजिज की एक बार फिर से मैं स्क्रोल कर रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए ही ताकि आपका कोई सब्जेक्ट मिस ना हो जाए आप अपने सब्जेक्ट की शीट को पॉज करके उसका ब्रेकअप देख सकते हैं अच्छे से सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तब तक के लिए कीप वाचिंग प्रिंसिपल राशि गुप्ता थैंक यू